मोहम्मद हुसैन, क्योंकि मोहम्मद हुसैन ने कहा मेरा नाम हुसैन है, जो अपना सुभान बोल गया। इस तरह हमने इसको घर से निकाल दिया है। अब ये समझे हमने इसको घर से निकाल दिया, ये जहाँ मर्जी रहे नानी के घर जाके। और क्या कहते हैं, इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ लो जैबुल्ला भी नहीं है। कौन? पानी। इनकी बातें सुने क्या हुआ, क्या है? तो तुम दोनों एक दूसरे को देख लो। यहाँ पे भी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बकरा ईद की इतना प्यारा बकरा है। मोहम्मद फियाज को कोई काम आ गया, वो उसने जाना है, कोई मेरे घर में सवारी आ रही है तो उसको लेकर जाना है एयरपोर्ट। तो उन्होंने उसने कहा कि मोहम्मद हुसैन को छोड़ जाओ ताकि दुकान पे कोई तो होना। तो अब मैं मोहम्मद हुसैन को वहाँ छोड़ के होटल के साथ मोहम्मद हुसैन को लेके आ जाऊँगी। मोहम्मद हुसैन को नीचे उतार दिया, मोहम्मद के साथ है और आज जैबुल्ला नहीं है, देखते हैं बाहर होगा। हाँ जी, यहाँ पे तो बारिश हो रही है। वाह, आ जाओ, आए 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 मेरा मीठा, आए मेरा मीठा, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। मेरा शहजादा नहीं, जो ये देखें जी छतरी लेके आया हुआ। और मैं नीचे उतरी तो मुझे पता ही नहीं है कि नीचे बारिश हो रही है। मैं तो पता हमारी गैलरी में कोई काम हो तो फिर ही गैलरी में जाती, नहीं तो मैं खाला के पास लेती रहती हूँ, उनका दिमाग खाते हैं। वो बुखार पड़ रही है, वो देख लेगा भाई, तो देखते क्या होता है। मम्मी की तरफ जाऊँगी, खुदम आएंगे, खुदम के साथ आ जाऊँगी, बुला रहे। हाँ जी हाँ। गोद में अब जाना, बहुत पैदल चल लिया है ना, बहुत पैदल चल लिया। रात से ही बारिश हो रही है और बहुत तेज हो रही है, आज भी चमक रहे हैं, पानी हो रही है। परिंदे उड़ रहे थे, चल रहे हैं, इतना अच्छा मौसम सुबह सुबह देखने को मिले, कुछ हो जाता है। मुझे बुखार भी हुआ है, फिर कल गर्मी की वजह से लू लग गई है मुझे, या कुछ टेंशन भी है तो उसकी वजह से मुझे बुखार और आँख में तकलीफ हो रही है। बाहर भी बारिश हो रही है, फिर पता है कराची की सूरत हाल देख के दुख भी हो रहा है कि अल्लाह ताला वहाँ से खूबसूरत मान में रखे। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को अपने खूबसूरत मान में रखे, कोई मुश्किल ना आए हमारे मुल्क को। बना दूँ नाश्ता, क्योंकि साढ़े नौ मेरे ख्याल में हो गए हैं, तो गैस का इशू कंटिन्यू कोई नहीं है। चले नाश्ते की तैयारी करते हैं, और कुछ दिन रह गए हमारे इस घर में, हमें घर छोड़ देना, दूसरे घर चले जाएंगे। उसका यानी कि ये है कि छोटा सा है, प्यारा है,
यानी कि एक दो पोर्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो हमारा यानी कि उन्होंने भी किया है कि यानी कि एक कमरा ऊपर है एक कमरा नीचे है, तो जैसे कोई बनता है तो हमें दूसरा रूम जो हमारे सामने बिल्कुल है ना वो भी दे देंगे। इस वक्त कोई शो उनका चल रहा है, हम देर ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने अगले महीने तक की डेट दी है, तो हम बात कर देंगे। हमारी रेंज में ये घर नहीं है बिल्कुल भी, जितना हम अर्न करते हैं ना पूरे अपनी जॉब से इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। और काफ़ी दिनों में मेरे ब्लॉग भी ऐसे ऐसे से ही आ जा रहे हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा ब्लॉग में, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन है जो मुझे नहीं करने दे रही काम मुझे ना, और जब काम नहीं होता मेरे तो मेरा कुछ दिल नहीं करता, मैं फिर तीन तीन चार चार दिन गायब रहती हूँ। पहले हम ढूंढ रहे थे कि अम्मी के घर के पास मिल जाए, मगर अम्मी के घर के तरफ नहीं हमें मिला, तो जहाँ मिला है थोड़ा सा दूर है, मगर एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब 10 रास्ते बन जाते हैं जब अल्लाह ताला ने रास्ता बनाता है, तो फिर उसके 10 रास्ते वो भी बन जाते हैं कि सहूलतें हो जाएंगी हमें, फिर इसलिए ज़्यादा मुझे ऐसे तो बच्चे उससे उलझ जाना होती है। चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं, आप ही देखिए वही पराठे। आटा भून लिया मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो मसला था तूफान का वो हल हो गया, अल्लाह ताला ने तो अपना कर्म कर दिया। वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, थोड़ी भी टेंशन थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब क्लियर है। पराठे बनाए तो दुपट्टा बीच में आना है और फिर उसने गड़बड़ 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 करनी है। अच्छा पहले मुझे सीधे हाथ से रोटी पकानी नहीं आती थी, मतलब कि मैं इस तरह से नहीं पकाती थी, मैं ना उल्टे हाथों से बनाती थी, उससे मेरे ना रोटियां बड़ी अच्छी बनती थी, मतलब मैंने फिर देखा देखी मुझे भी सीधे हाथ से रोटी डालना आ गई है, उल्टे हाथ की रोटी डालती थी वो दिखाती हूँ किस से मैं डालती थी। अब मैं डालते मुझे हंसी आती है, मैं वाह क्या मेरा स्टाइल था, मैंने मेरी मामी भी ऐसी करती हैं, तो मामी को ही मैंने देखा है, उनसे सीखा था तो मामी से ही सीखा था, तो डालती थी पहले, ऐसे भी फट रही, यही हाल था।
की सास देखती थी ना थोड़ी ऐ तो किस तरह पानी पी है रोटियां मैंने कहा खाला मुझे इसी तरह ही आती हैं दाल में फिर खाला को देखा ये थोड़ा सा नेट पे देखा मुझे ऐसा लगता था जैसे रोटी डाल लूंगी तो मेरा हाथ ही तवे के ऊपर आ जाएगा मोहम्मद अरसलान नंगी सी क्या नंगे नंगे मुझे पहले ना इस बैलेंस रोटी पकानी नहीं आती थी मेरे उसको नखरे होते थे पकानी जो नहीं आती थी तब इसी से मैं रोटियां मंगा देती से हो जाएंगे इसके पराठों पे तो मुझे लगता होगा गैस ने बहुत शुक्रिया है मैं लेकिन महकमे को खत्म कर देना गैस वाले एक पसीना आता है ऊपर से भी गैस अच्छा तो मैं अपनी बताऊँ ना शादी से पहले की लाइफ मैंने कभी काम नहीं किया इतना बहुत कम करती थी स्कूल जाना स्कूल के बाद फिर कॉलेज चले जाना फिर कॉलेज गई कॉलेज के बाद फिर क्या करते घर में रहती थी सारा दिन सोना 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 या वो होता था टेप रिकॉर्डर होता था उधर गाने सुनते रहने हैं वो होता था पुराने वो होता था कानों में लगा के हेडफोन लगा के गाने सुनते रहना बस इतना था या खाना पकाती थी मतलब इतना ही पकाती थी यानी इतनी ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं बनाती थी बस सिंपल सी दाल बना ली यानी बस नॉर्मल बना लेती थी मगर जब मैं शादी करके आई घर तो ये मेरा अपना घर था मुझे था ये मेरा घर है मैं खाला से पूछती खाला आज मैं ये पका लूँ तो खाला ने कहाँ पका लूँ खाला ये पका लूँ फिर मैंने नेट आया था हमारे घर में नहीं लगा था क्योंकि दुबई में होते थे तो मैंने फिर नेट के ऊपर ना चीज़ें सर्च करनी कढ़ाइयाँ देखनी फिर रोस्ट चेक करने बिरयानी चेक करनी अच्छा बिरयानी मेरी अब तक सही नहीं बन पाती कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक लाज नहीं करती क्योंकि मसाले तेज हो जाते हैं कहीं मेरी कोई चीज़ मसला हो जाता है मतलब इस तरह की मैं चाहती हूँ ना मेरी हो वो चीज़ मेरी नहीं बनती तो अदरवाइज पुलाव बना लेती थी तो अब ये है कि माशाल्लाह फिर पूरा हमने जब ना सर्वाइव करता है इंसान हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए अपने शोहर का साथ देना चाहिए तो मेरे जब मैं कराची में थी तो मेरे हस्बैंड का कहा तो मेरा हम खाना पकाने का भी काम स्टार्ट कर दिए हमने फिर वहाँ पे खाने खाना सेव करते थे बनाते देना मैं खाला पूरा तीनों लग जाते थे मतलब कि बड़े बड़े पतीले बनाने और खाने की दुकानों पर जाकर देने तो अच्छा होता था मतलब वहाँ पर फिर ना वो मुझे ना वो क्या कहते हैं मुकाबला होना शुरू हो गया था कि जी कौन सस्ता देता है कौन महंगा देता है फिर पूरम को ना फिर खैर से रमज़ान आए रमज़ान में मैंने चार चार पाँच पाँच किलो की बिरयानी बनानी चावलों की चिकन दाल ना और हाथों हाथ जाती थी और बंदी भी बड़ी मज़े की थी सेला चावल आता था तो वो खाला कहती भैया तो ओम सी बिरयानी बना ना मैंने कहा खाला मैं ओमसी दाई से बनाती हूँ उसमें नहीं बनने मेरा क्या कसूर है एक दिन साउथ आता है एक दिन किसी दिन उन्होंने कह दिया कि आज बीफ का कुछ लेके आना चावलों में तो बीफ के बनाने की मैंने ब्लॉग बनाना बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था फिर कुछ ऐसी मसाए पैदा हो गए कि हमने वो काम छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे फिर ना उनकी नौकरी लग गई थी मेरी चीज़ और बहुत अच्छी जगह लगी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह लगी थी तो वहाँ से इतना अच्छा घुमा लेते थे कि फिर हमने खाने का काम ख़त्म कर दिया क्योंकि फिर मेरा आधा से आधा दिन बर्तन धोने में लग जाता था तो बहुत वक्त मैंने ऐसा देखा है मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ने साथ ही थोड़ा ना मैंने थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि मुश्किल तो दोनों पे ही आती है ना मियाँ बीवी पे और यहाँ मेरी फिर मेमोरी फुल हो गई क्या करूँ इस मेमोरी का चला गई मेरे पराठे तो बनते रहेंगे इसको मैं क्लीन पहले करूँगी तो फिर ही मैं आऊँगी या इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा हट गया है
तो मैं उन औरतों से कहूँगी, लड़कियों से कहूँगी जो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट नहीं करती, उनको सपोर्ट क्या करें। खाली हाथी है ना, अपने घर में तो हम बैठे हैं ना, बस ये क्या अपनी छत अपनी ही होती है। आप क्या समझते हैं, मेरी कोई लड़ाई होती है, हमारी बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हम इसमें अपनी हमारी इतनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, 15 मिनट 20 मिनट। ये नहीं कि दिनों दिनों के लिए नाराज ही हैं, नहीं नाराज नहीं होती, मनाते वो है। खैर तभी हम लोगों ने फिर फैसला किया कि घर छोड़ देंगे, और बहुत लोगों ने कहते हैं कि यानी कि अच्छा बात, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि खाने की कोई चीज़ बनाती हैं आप, ये करती हैं आपने बाहर आना जाना ये, और तो मैं खाने की इसलिए चीज़ भी कोई बनाती क्योंकि इस वक्त जिस कहते हैं ना जिन खास इंसान गुजरता है तो वो किसी को दिखाने भी चाहिए कि आया हम क्या खाते हैं या पीते हैं। जिस दिन मेरे घर कुछ अच्छा बनता है दाल में कुछ रेसिपी ऐड करती हूँ, और फिर ये हमारे घर में कुछ है वो भी दाल भुजिया, वो कहते हैं हर कोई कहता है वो बना देते हैं, तो जब हर कोई बना लेता फिर मैं क्या बनाऊँगी उसका, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे भी कहते हैं आप इस तरह करिए, तो मैं वो काम को ना करूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। अपनी लाइफ को डिस्कस करती हूँ, अपने बच्चों की शरारतें डिस्कस करती हूँ, कैसे मिलाते हैं कैसे हम आते हैं, कोई मेरी इतनी वो नहीं है कि हाई स्टैंडर्ड की लाइफ कि मैं खाने भी अच्छे अच्छे बना कर दिखाऊँ, या सिंपल सी हूँ, सिंपल सा घर आना है हमारा। अल्लाह ताला फुका नहीं सुनाता अल्हम्दुलिल्लाह, जब खाली हाथ होते हैं तब भी शुक्र अल्लाह करते हैं, जब हाथ में होते तब भी अल्लाह का शुक्र करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम ये भी कर लें अपने बच्चों का वो भी कर लें। तो जो मैं अगर मैंने करना होता यूट्यूब में साथ से बात करती, मैंने अगर शुरू करना होता मैं कराची में भी कर सकती थी, वहाँ तो मैं हर चीज़ कर लेती थी, मैं करना तो मैं वहाँ भी कर लेती, मगर मैंने वहाँ नहीं किया क्योंकि हालात बहुत अच्छे थे, वहाँ पर हमारे कभी सोचा ही नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा। तो मुझे हस्बैंड कहते हैं क्यों कहते हैं गुड़िया तो तब शुरू कर लेती, मैंने कहा जी मेरा ध्यान ही नहीं था इस तरफ कि मैं कभी इस तरफ सोचूंगी। हाँ नहीं आप लोग सब्सक्राइबर मगर मुझे देख तो रहे हैं, मुझे ये खुशी एक दिन तो करेंगे ना। आज सोच रही हूँ कि अगर मिक्स दाल बनाऊँ और उसे कॉल करके पूछूँ, चलती आ रही है देखिए कितनी देर में भी मेरा शरीर ताज़ा रखा है, अभी तक इतना रह गया है, मैं मतलब शाम की नगे खाई करनी है, नगे खाती मैं अपनी कौन सी यूज़ करती हूँ, जिनसे हम फ्रोजन फूड लेते हैं ना अपना उनके पास वैरायटी बड़ी अच्छी है, शायद ये कहता मैं वो भी ले लूँ। सब तुम कहते जेब में कुछ पैसे भी ढेर सारे लेके आया कर, अल्लाह लाएगा इंशाल्लाह वक्त आएगा जी। तो अब क्या कहते हैं कुलम को मैं कहती रहती हूँ जी हमने सब ब्लॉग बना लिया, तो थोड़ा सा वो इतने ही शर्माते हैं, वैसे वो इतने लड़कते हैं ना पसंद है, शर्माते पता नहीं किस में। अच्छा हाँ जी ये पैगाम मेरे नाना जी के लिए, मेरे नाना जी हैं वो मेरी मम्मी के मामू लगते हैं, यानी मेरी सास और मेरी मम्मी के मामू लगते हैं, तो मुझे मैं उनको नाना जी कहती हूँ, उन्हें नाना महमूद नाना, वैसे महमूद ख्वाजा महमूद है वही नाना जी, तो मेरी इतने हैं तो नाना जी है ना अलग अलग होते हैं, उनका फोन आया तो मुझे बोला मैंने कहा नाना जी मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और ना उनकी बेटी से कहा मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब कर दे तो आगे से नाना जी मुझे कहते हैं। अच्छा यानी कि तसुनो हवा मैं उन्हें तो कहती पई नाना जी वो आप तो सबसे पहले आपने तो किया होगा, कहते नहीं हम मैं मुझे नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं, मतलब वो हंस रहे थे, तो वो बहुत अच्छे हैं, मुश्किल वक्त में जब इंसान किसी का इतना सहारा भी तो मिलना चाहिए, उन्होंने मुझे जिसका तो उन्होंने मुझे कहा मुझे तो ग्राफिक्स का काम सीख
बहुत नाम सीखने दे रहा, ये तो मोबाइल यहाँ स्टैंड पे लगा लिया ना, तो बक बक करती नहीं करती करती रहती, वहाँ पे बैठना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, और वो मुझे समझ नहीं देता। वो पूरम कहते हैं ये छुट्टियाँ हो जाए ना खत्म गुड़िया, इसको स्कूल डाल दे। मैंने कहा प्लान बुरा नहीं है, अच्छा इसके लिए सामान के लाजमी फोरम लेके आते हैं, ये साइज है ग्रिल किए हुए हैं, ग्रिल किए हुए हैं, तो अब ये होगा कि इसके लिए लाजमी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि इसको भूख लगती है, तो छोटा बच्चा नहीं तो खाना चाहिए ना, तो यही है कि मैं इसके लिए सामान ला कर तो ये नगेट्स ले आती हूँ, सुबह को ही दे देती हूँ, दोपहर को ही दे देती हूँ, रात को ही चावल खा लेता हूँ, फिर हमारे चावल ही बनते हैं। चले अब खाने के टाइम में आपसे मिलूंगी, मैंने बर्तन बर्तन में कल तक ही बंद हो गए थे सारे, तो बस खाने की प्लेटें हैं, तो मानते ही होंगे बर्तन धो लूँगी, मैं मतलब को मोबाइल पर बुला दूँगी कि चलो तुम मेरा काम करो आज का, या मैं खुद ही कर लूँगी, शाम दोपहर में मुलाकात होगी इन शाला, मैंने ब्लॉग पर तवज्जो देनी है, क्योंकि बहुत से लोगों की है कि कुछ ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा क्या करूँ समझ ही नहीं आता है, चले शाम में बात। हाँ जी, इस टाइम मैं बना रही हूँ जैसी कहते हैं इसको, ये ले लीजिए, अब बना रही हूँ आलू वाले चावल, थोड़ा सा प्याज फ्राई कर रही हूँ, आंख भी नहीं आई है। हाँ जी, ये जी पानी डाल रही है, इधर रखा हुआ पानी पिला रही है, मोहम्मद अरसला ओए मम्मी ने दोनों भाई मेरे पास तीन चार आलू थे, उनके मैं बना रही हूँ चावल, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई दरदरी मिर्चें, कुटी भी कहते हैं हम तो कुछ दरदरी कहते हैं, हल्दी, अब डालेंगे नमक, चेक कर लेंगे बाद में। अच्छा, अब आपने सोचा कि इसमें टमाटर वगैरह तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, तो इसमें मैं सिर्फ टमाटर डालूंगी, वो भी दम के टाइम डालना हुआ डालूंगी, नहीं डालना हुआ नहीं डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी बस, तो मैं पानी ऐड कर दूंगी। हाँ जी, ये देखिए जी, अब आ रहा है उबाल आ रहा है उबाल, इस उबाल को हम चेक करते हैं, नमक बिल्कुल छटास है, ब्लैक कर देते हैं इसमें, बेटा जी दीदो किसने पीना है अभी, मोहम्मद इब्राहिम भाई को मम पिलाओ, जी ये देखें जी चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, चावल पक रहे हैं, अभी इन लोगों को देखूंगी, ये दोनों तीनों चार तो बाहर करके आ रहे हैं, मोहम्मद और सलमान तो
इधर मेरे पास था, और मोहम्मद इब्राहिम अब इसको मैं रख देती हूँ चावलों को बॉयल होने के लिए रख देते हैं, और ये बड़े मज़े के बनने हैं। पता है क्या, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, देखें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब चीज़ें हों तो चीज़ टेस्ट बनती है, टेस्ट दो चीज़ों को ऐड करने से भी बन जाती है। मैंने इसको इस तरह से बनाया सिंपल सा, ये भी मेरे बच्चों को मज़े का लगेगा। लहसुन अदरक डालने वो भी टेस्ट अलहदा होता है, मगर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, और जब चीज़ ही अवेलेबल ना हो और आपके हाय अल्लाह जी की पकाइए की पकाइए, फिर तो आप कुछ पकाएंगे ही नहीं। ज़रूरी नहीं है मिर्च मसाले हो, प्याज हो, और साथ एक चीज़ और ऐड हो जाए, चीज़ खुद बहुत मज़े की बन जाएगी। हाँ जी, ये इधर खड़ा हुआ है, तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो, जुबान ना दिखाओ। मेरी टूटियों का रैक तुम लोगों ने खाती नहीं है, इधर इधर धो क्या रहा है, ये तीन सैलाब दुकान इधर क्या बैठे कर रहे हैं, ये अजीब सी चीज लगा के बैठ गया, और कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, खाना खाना है, 4:30 बजे बाबा के पास जाना है। नानू के नहीं? नहीं नहीं, नानू के नहीं जाना, वहाँ से हकीम के जाना है, हकीम राजी। हाँ ठीक है, ये दवाई लेके आते हैं आपके। हाँ जी, ये देखें जी, चावल हो गए रेडी। मैंने कहा ना जरूरी, ये देखें जी, इसका तो रोना कंटिन्यू है। ये बोतल किसने गिरी, ये बोतल किसने गिरी, उठाओ। हाँ जी, क्या हुआ था, अब बोलो, जाओ भैया पास जाओ, भैया पास जाओ। हाँ, मैं गोद में उठा सकती थी। हाँ जी, अब मैं जा रही हूँ मोहम्मद इब्राहिम को लेके हकीम के, या इनके डॉक्टर के, और मोहम्मद अरसलान साथ जा रहे हैं, रिक्शे पे जाएंगे, रिक्शे पे आएंगे दोनों। बच्चा मेरा बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, मुझे किसी वो खुरम की भी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ जाए, जिसका बिया भी किसी की टेंशन ना दे मुझे। हाँ जी, अब जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, बाबा के कुरम के पास जाएंगे, वहाँ से उनसे थोड़ा सा काम है वो करवा के रिक्शे में मोहम्मद अरसलान को लेकर जाएंगे, मोहम्मद अरसलान। ये मोहम्मद अरसलान का नया स्टाइल है ये। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग आप। अच्छा, हम क्या कहते हैं, तो बस इस बच्चे ने बड़ी जान में, ये देखो इसका कोई हाल नहीं, अब्बा से कह के ठेंडिया लगवाएंगे बाबा, नहीं तुम तो ना मारो ना, हम बाबा से खुद ही शिकायत लगाएंगे मोहम्मद अरसलान की, मोहम्मद अरसलान क्या करता फिरता है। मोहम्मद इब्राहिम को लेकर जा रहा है मोहम्मद इब्राहिम आगे, मोहम्मद इब्राहिम को लेकर, मोहम्मद अरसलान को लेकर जा रहा है मोहम्मद इब्राहिम आगे, और मैं क्या क्या बोलती जा रही मुझे पता नहीं, कहीं से गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो मुझे इस वक्त अगर ना हकीम के गए तो हकीम ने कहना बाजी तू घर वह, क्योंकि दवाई इसकी ख़त्म हो चुकी है, और उन्होंने कहा था इसको लेकर आनी, तो पहले नहीं मैं लेकर जा रही थी, मैं अकेली जाकर ले आती थी, लेकिन आज लेकर जाना है इसको।